वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिस नारी ने इस दुनिया को कैसे कैसे अवतार दिए, बदले में जालिम दुनिया ने उस अबला के ब्योपार किए। देख बेटा, जैसे तुलसी का पत्ता जिस चीज में भी डाला जाए वो चीज शुद्ध हो जाती है, इसी तरह से आत्मशुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अमृत के समान है। इसके जाप से मन को बहुत शांति मिलती है। तुम सच कहती हो माँ, इस मंत्र के जाप से मन को बहुत शांति मिलती है। अच्छा ठीक है, अब पूजा हो गई ना, अब चल के नाश्ता कर ले। माँ मुझे भूख नहीं है। देख देख भारती, तू खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह है। अरे अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है। अपने घर जाना है, ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा करनी है, अपनी गृहस्थी बसानी है ना? मुझे नहीं जाना किसी अपने घर, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास, बापूजी के पास, मुक्ता के पास। नहीं बेटा, बेटियां तो होती ही पराया धन है, एक ना एक दिन उन्हें माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल तो जाना ही पड़ता है ना, तू भी जाएगी। ठीक है बाबा ठीक है, अब अपना भाषण बंद करो, मैं नाश्ता कर लूंगी। ये हुई ना समझदारी वाली बात। अच्छा चल, ये बता वो मुक्ता अभी तक उठी के नहीं? वो अभी तक सो रही है। मुक्ता, ओ मुक्ता, ओफो अभी तक सो रही है। अरे देख सूरज सिर पर चढ़ाया है, उठ जल्दी उठ। माँ प्लीज थोड़ी देर सोने दो ना। नहीं बिल्कुल नहीं, उठो अब जल्दी।
अरे माँ, छुट्टियों के दिन तो सोने दिया करो। ठीक है, मैं तेरे बापूजी को भेजती हूँ, वो ही आकर उठाएंगे तुझे। बापूजी तो घर में है ही नहीं, वो तो बाहर गए हैं लड़का देखने। वो आ गए हैं, उन्हें ही भेजती हूँ। अच्छा तो फिर तू फटाफट तैयार हो जा, नाश्ता भी तैयार, जल्दी कर। उठ। आप चलिए, मैं सिर्फ 5 मिनट फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। चाची जी राम सत। अरे पागो तू, आए जींदी रहे पुत्र, जींदी रहे। बैठ बैठ, पहले बैठ तो सही। कदों आई तू विलायत तू? चाची जी मेनू इंग्लैंड तो 2 दिन हो गए आए हुए, लेकिन आई टेल यू इन्ने लोग आ रहे मेनू मीट करन वास्ते, आज टाइम मिलिया ते मैं आज आ गई तुहानू मिलन वास्ते। हाय नी, तू विलायत जाके मीट खाना शुरू करता? ओ चाची जी, ओ वाला मीट नी, मिलन वाला मीट। ओहो, अच्छा अच्छा। ओ नी मुक्ता, पता नहीं की कह रही है। मुक्ता नहीं, मुक्ता, अरे लस्सी लेके आ, अपनी तेरी विलायत वाली भाभी आई हुई है। जी अभी लाई। चाची जी मैं नहीं लस्सी पीनी, मैं हुने ही चाय पी के आई हां। चाय? और की चाची जी, इंग्लैंड सारे चाय पींदे हैगे। ओ तो तू एथे लस्सी पी ले, ओथे ते तन लस्सी मिलनी नहीं, ओथे ते चाय मिलनी है। तुसी भी ना चाची जी। अच्छा गल सुन, तू ए दस ओथे जाके तन किस तरह लग रहे है, मजे आ रहे ने? ओहो चाची जी तुसी पुछो ना, इन्ना मजा आ रहा है इंग्लैंड विच, ओथे भी जेडी गोरियां है गया ना चिट्टियां, ओना नु ते पाउडर लान दी लोड़ नी, एनी चिट्टियां है गया ते सड़का जिद्दा तुहाडा आंगन, एक कागज नी तुसी ओथे ढूंढ सकदे। आई टेल यू चाची जी, तुसी मेरे नाल चलो इंग्लैंड, बड़ा ही मजा आएगा तुहानु भी। ओ मैं की करांगी चल के? ओ ना ते मैनू उस माहौल च कुछ आंदा समझ आएगा, ना मैं अंग्रेजी भाषा आती है। अंग्रेजी भाषा का की है चाची जी? आई टेल यू बड़ा सिंपल हैगा, आ जड़ा पानी हैगा ए वाटर, ओ किताब बुक और रसोईया कुक, ते आ जड़ा मेज है एनू टेबल, ते सब्जी नू वेजिटेबल। भाभी जी नमस्ते, चले चलो अपने साथ इंग्लैंड। ओहो व्हाई नॉट, तू चल मेरे साथ, तेरी किसी अंग्रेज से मैं मैरिज करा दूंगी। क्या करा देंगे? शादी करा देंगे। अच्छा मैरिज करा देंगे? ओ यस यस। ना बाबा ना, अरे हम तो अपने बच्चों की हिंदुस्तान में शादी करेंगे। अच्छा छोड़, पहले तू ये बता तेरे बच्चे कितने हैं? ओनली 1 मुंडा, 3 साल दा है, पता नहीं लेकिन मर जाने नु की हो गया इत्थे आके, ना ते ईट दा है ना ड्रिंक दा है, पूरी रात वीपदा है। अरे बेटा ऐसा होता है ना कि बच्चों का जब हवा पानी बदलता है तो तबीयत खराब हो जाती है, तू किसी डॉक्टर को दिखा देना। चाची जी तुम्हारा पुत लेके गया, तभी तो आई एम हियर। भारती नजर नहीं आ रही? अरे वो किसी सहेली के यहाँ गई है बेटा। और बापूजी? बापूजी पास के किसी गांव में कोई जरूरी काम आ गया था, वहां गए। ओहो फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे कस्तूरी लाल जी से मिलना था। मैं ही कस्तूरी लाल जी, बताइए क्या काम? नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल दास है, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। ओहो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैंने सुना है कि आपका बेटा विवाह योग्य है। अजी आप खड़े क्यों है लाला जी, बैठिए बैठिए।
मुनीम जी, अरे जरा जलपान की व्यवस्था कराइए। अरे नहीं कस्तूरी लाल जी, इसकी क्या जरूरत है, क्यों तकल्लफ कर रहे हैं? अरे लाला जी, आपके बहाने हम भी पी लेते। मुनीम जी रहने दो, बताइए जी। मैंने सुना है कि आप अपने बेटे के लिए लड़की की खोज कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपने बिल्कुल गलत सुना। आप अपने लड़के की शादी पर तो विचार कर रहे हैं? भाई लड़के की शादी तो हमें करनी है, पर ये गलत है कि हम लड़की खोज रहे हैं। चलिए, आप लड़की की तलाश नहीं कर रहे, मैं लड़के की तलाश करने में निकला हूँ। ये बिल्कुल सही कहा बाबूजी आपने। लाला कस्तूरी लाल जी, मेरी दो पोती हैं, बड़ी बार थी, उसने M.Com फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ किया है। अच्छा। और लाला जी ये देखिए उसकी फोटो। सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। लाला जी देखने में जितनी ये सुंदर है उतनी गुणवान भी है, सुशील है और खाना बनाने में माहर है। भाई ये बातें सारी आपकी सही है, सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है। मैंने कहा ना कि उसने M.Com डिस्टिंक्शन के साथ किया है। अब देखिए लाला जी, आपकी पोती ने M.Com पास किया हो या 10वीं पास किया हो, हमें उससे कोई नौकरी तो करवानी नहीं है। अब रही बात उसकी सुंदरता की, तो लड़की सांवली हो या गोरी, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा छोड़िए, ये तो बताइए कि आपके बेटे की शिक्षा कहाँ तक है? ये ऑफिस देख रहे हैं बाबूजी आप, डॉक्टर सोप साबुन के प्रोडक्ट की एजेंसी है मेरे पास। हाँ, सवेरे आया संजय को माल खत्म। इसके अलावा खाद की एजेंसी भी है हमारे पास। ये तो सब ठीक है, फिर भी उसने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? अरे बाबूजी, खाद के कारोबार में बड़ी कमाई है। पर मेरे लड़के को समझा दिया है भाई, इसमें ज्यादा मिलावट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भगवान बहुत दे रहा है। बड़े सुंदर विचार हैं, खाद में भी मिलावट कम। छोड़िए इन बातों को, ये बताइए कि बेटे ने कितना पढ़ा है? अजी बाबूजी, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, अपना हिसाब किताब वो ठीक ठाक रख लेता है। वैसे 10 साल तक स्कूल में लगातार गया है वो। 10वीं पास है? हाँ 10वीं पास है वो, लाखों में एक है लड़का। आइए चलिए घर, मैं आपको दिखवा देता हूँ। नहीं अब इसकी क्या जरूरत। तो बाबूजी फिर मैं ये रिश्ता अब पक्का समझूं? लाला जी मैंने कहा ना, घर जा कर के परिवार के लोगों से विचार करेंगे, तब उसकी स्थिति से आपको अवगत करा देंगे। हाँ बाबू, जैसी आपकी मर्जी। जयराम जी की, आपका बहुत समय लिया, आपको बड़ा कष्ट दिया। अरे नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा बाबू, कोई सुंदर शहर की कन्या, कोई भोली गांव की गोरी, कोई सुंदर शहर की बंधी दहेज की डोरी, डोरी तोड़ दो, दिलों को जोड़ लो, डोरी तोड़ दो, दिलों को जोड़ लो। अपना दूध पिलाया, पिता उंगली पकड़ चलाया, घर के गहने भी बेचे, पढ़ाया लिखाया। जब बड़ी हुई वो बेटी, फिर उसका ब्याह रचाया, लेकिन लड़के वालों ने कुछ अलग ही रूप दिखाया, लेकिन लड़के वालों ने कुछ अलग ही रूप दिखाया। तो की लगा दे।
ये तो रुपया। दीदी कहीं से डाका मार के आई हो क्या? चुप कर बेवकूफ, हमेशा बकबक करती रहेगी। अरे माँ, मैं तो दीदी का गेटअप देख के कह रही। अरे पगली, बाहर धूप इतनी है कि आदमी की चमड़ी झुलस जाए। तो आपने अपनी खूबसूरती को बचाने के लिए दुपट्टा इस तरह से ओढ़ रखा था? बहुत बकबक करती है, जा पानी लेकर आ। क्यों बेटा, बाहर सचमुच बहुत गर्मी है। अरे पूछो मत माँ, ये लग रहा है जैसे अंगार बरस रहे हो। मुझे तो तेरे बापूजी की चिंता हो रही है, 2 दिन हो गए उनको गए हुए, न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल दास है। जानता हूँ आपको, शर्मा जी ने आपके बारे में बताया था, आप रिटायर्ड हेडमास्टर हैं ना। आइए आइए आइए। हाँ जी, ये बताइए ठंडा गर्म क्या लेंगे? नहीं नहीं, एक सादा गिलास पानी मंगवा दीजिए। पहले पानी लेकर के आओ और फिर कुछ चाय नाश्ता लेकर के आओ। जी हाँ, आपके बारे में शर्मा जी ने बताया था, आप एक रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, आपकी 2 पोतियाँ हैं। जी हाँ, मेरी बड़ी पोती भारती ने M.Com फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन में पास किया है, छोटी पोती मुक्ता अभी इंटर में पढ़ रही है। मैं इस समय भारती के रिश्ते के संबंध में आपके पास आया हूँ। लीजिए पानी, आ गया पानी पीजिए। गोपाल दास जी, मेरे तो एक ही बेटा है विनोद, वन विभाग में रेंजर है। और रेंजर क्या साहब, वनों का राजा है, राजा। SDO, DFO, ठेकेदार सब उसके इशारों पर नाचते हैं। बात है, और आजकल उसकी ड्यूटी सागवान के जंगल में लगी हुई है, और आप तो जानते ही हैं कि सागवान कितनी महंगी लकड़ी है। अरे साहब, ठेकेदार तो उसके कदमों में पड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए, आप तो जानते ही हैं साहब कि आजकल ऐसी नौकरी आसानी से कहां मिलती है। बहुत खर्चा करना पड़ा है, बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। बात तो आपकी एकदम दुरुस्त है लाला मदन लाल जी। और देखिए, अब अगर किसी कन्या को ऐसा वर मिल जाए तो उसके तो भाग्य खुल गए ना। सही कह रहे हैं आप। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक सज्जन आए थे फगवाड़ा से, 1 लाख रुपए नगद और 2-3 लाख रुपए के जेवरात देने की बात कह रहे थे। मैंने भी कह दिया कि हड़बड़ी में काम नहीं करूंगा, लड़के के रिश्ते का मामला है। अरे अभी तो हमने अपना माल शोरूम में रखा है, देखते हैं कौन कितनी बोली लगाता है। यही तो मौका है बोली लगवाने का। एक साहब और आए थे, दहेज में नकदी के अलावा कार देने की बात भी कर रहे थे। मदन लाल जी, आपने मेरी पोती के बारे में कुछ नहीं पूछा। अरे लड़की की बात तो सेकेंडरी है, पहले आप ये तो बताएं कि शादी में खर्च कितना करेंगे। क्या बात है, आपने कुछ बताया नहीं, आप इस बोली को और कितना आगे बढ़ाएंगे? मदनलाल जी, इसके लिए मुझे घर वालों से सलाह मशवरा करना होगा। ठीक है,
अच्छा कर ले, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बापूजी लस्सी पियो। आज तो आपने बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत चिंता हो रही थी आपकी। बेटी गौरा, चिंता तो चिता से भी भयानक है। अंतर केवल एक बिंदी का है। चिता तो एक बार ही जला करके राख कर देती है और चिंता सारी उम्र जलाती रहती है। आप बात तो सही कह रहे हैं बापूजी, लेकिन क्या करूं, इतना भुगत चुकी हूं कि चिंता हो ही जाती है। अरे हाँ, आप तो भारती के लिए रिश्ते के लिए गए थे ना, क्या बात बनी कुछ? बेटा, दो तीन लड़के देखे। एक लड़का हाई स्कूल पास है, बाप के पास डॉक्टर सोप की एजेंसी है जी, खाद की भी एजेंसी है, धड़ल्ले से खाद में मिलावट कर रहा, बेईमानी कूट कूट करके भरी हुई। और एक लड़का रेंजर है, उसका बाप मदनलाल खुले रूप में बाजार में अपने लड़के के लिए बोली लगवा रहा है, दहेज के चक्कर में फंसा हुआ है। मैंने तो कहा था बापूजी कि भारती ने 10वीं पास कर ली है, अब और आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं। अरे हमें नौकरी तो उसे करवानी नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब बताइए, लड़की इतनी पढ़ लिख गई है, उसके लिए लड़का भी तो पढ़ा लिखा चाहिए। पहले तो मिलता नहीं, अगर कोई मिलता भी है तो दहेज के लिए मुंह फाड़ता है। इसीलिए तो बेटी मैं कह रहा हूं, समाज कहां जा रहा है, देश कहां जा रहा है, पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए कोई कदर नहीं, और पढ़े लिखे लोग दहेज के चुंगल में फंसे हुए हैं। बापूजी, देश और समाज कहीं भी जा रहा हो, लेकिन हमारी मुक्ता ये अब कॉलेज नहीं जाएगी। नहीं बेटा, नहीं, हमारे लिए लड़की और लड़के एक समान है। मैंने अपनी लड़कियों की परवरिश लड़कों की तरह से की है। एक लड़की को हमने M.Com बनाया, दूसरी लड़की भी जितना पढ़ना चाहेगी उतना ही उसको पढ़ाया जाएगा। लड़कियों को भी उच्च शिक्षा देना माता पिता का धर्म है। आपकी धर्म की बात पर याद आया मुझे, कितना लड़ती थी माँ जी आपके लिए इस बात पर। हाँ बेटी, उनको मेरी आदर्शवाद समझ में नहीं आती थी। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, फीस नहीं लेता था। और इस बात पर माँ जी हमेशा आपको टोकती थी, कहती थी कि बच्चों से फीस लिया करिए, लेकिन आप तो बस। और मैं अपना आदर्शवाद और सिद्धांत नहीं छोड़ सकता था। मैं द्रोणाचार्य नहीं बन सकता था जिसने राशि सुख के लिए गुरुत्व अपना छोड़ दिया। मुझे याद आ रहा है,
माँ जी कहा करती थी, हिंदू का खाओ नहीं, मुसलमान का मिले नहीं, तो जाए कहाँ। बहू तुम्हारी सास बहुत समझदार थी, इसीलिए तो मेरे जैसे आदर्शवादी के साथ उसने बड़ी सफलता के साथ अपना जीवन बचाया। मैंने एक बार उससे ये कह दिया कि मैं कितना भी समझाऊं तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, जैसे भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं यार। और मां जी को बहुत गुस्सा आया था, उन्होंने समझा कि आप उन्हें भैंस कह रहे हैं। अरे मैंने उसको थोड़ी कहा था, एक मसाल दी थी। आपके बेटे के शहीद हो जाने के बाद माँ जी को सिर्फ यही चिंता थी कि इन दोनों लड़कियों का क्या होगा, वही चिंता मुझे खाई जा रही है। मैं बताती हूँ हमारा क्या होगा, दीदी किसी बैंक के मैनेजर बनेगी और मैं डॉक्टर। मैं जो भी बनूं या ना बनूं, पर तुझे डॉक्टर जरूर बनाएंगे। जरूर बनाएंगे, मेरे बच्चों फिक्र मत करो, एक दिन आएगा कि सच्चाई की और ईमानदारी की जीत होगी। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, गौरा फिक्र मत करो। नहीं बापूजी, ना तो मैं निराश हूं और ना मैंने अपना धैर्य खोया। बस करो माँ, आप निश्चिंत रहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। तू ठीक कह रही है बेटा, अरे जब बापूजी हमारे साथ हैं तो हमें चिंता किस बात की। बेटी अगर तुम्हारी जैसी समझदार बहू हर घर में आ जाए तो वो घर तो सुखी हो जाएगा। चलते चलते बहुत थक गए होंगे बापूजी, लाइए मैं आपके पांव दबा दूं। अरे बेटा छोड़ दे, क्यों मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हो। बापूजी आपने ही तो कहा था कि लड़की और लड़की में कोई फर्क नहीं, जब बेटे को सेवा करने का हक मिल सकता है तो बेटी को क्यों नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है बापूजी, आपने हम बहनों की परवरिश बेटों की तरह की है, अब हम भी आपकी सेवा बेटों की तरह ही करेंगे। ना बेटी ना, हमारी हिंदू संस्कृति में बेटी देवी के रूप में मानी जाती है। अरे मुक्ता जरा देख तो कौन आया। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते भाई साहब हैं? हाँ जी है, आइए। दादाजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। प्रणाम चाचा जी। और बता बेटा भारती क्या हाल चाल। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, आप बताइए, इस बार तो बड़े दिन लगा दिए। बस बेटी घर के काम काज में फंस गया था मैं। अब तक कहाँ हो तुम भाई। बस भाई साहब वक्त काट रहा हूँ। अरे अरे भान जी, तुम वक्त को काट रहे हो या वक्त तुम्हें काट रहा है। भाई साहब ठीक कह रहे हो। अच्छा चाचा जी पहले ये बताइए, आप लस्सी पियेंगे या खाना लगा दूं। अरे बहू इसमें पूछने की क्या बात है। अच्छा। पहले लस्सी पिलाओ और उसके बाद में खाना लगाओ। ठीक है जी, चल भारती। बताओ भाई साहब भारती के लिए कोई लड़का मिला या नहीं मिला। भान क्या बताऊं, दो तीन लड़के देखे, एक लड़का हाई स्कूल पास था और दूसरे लड़के का पिता दहेज के लिए मुंह फाड़ रहा है, चौराहे पर खड़े हो करके उसकी बोली लगवा रहा है। भाई साहब एक लड़का है मेरी नजर में, मुकुंदपुर के लाला देवी दयाल जी का लड़का, अभी डॉक्टरी पास करके आया है। मैंने सुना है कि वो दहेज के भी खिलाफ है, उनको तो केवल सुंदर और शिक्षित लड़की चाहिए। अरे उदय भान जी तो चलो फिर, शुभ कार्य में देरी क्या। वैसे भी अभी जाएंगे तो शाम तक नहीं लौटेंगे, बेहतर ही होगा कल सुबह ही चले। पिताजी
आपसे मिलने कोई आए हैं। राम राम साहब, राम राम। अरे राम राम उदयवान जी, राम राम। भाई आज तो बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए आपने, हैं? आइए बैठिए, बैठिए। अरे बेटा कुलदीप। जी पिताजी। कुछ चाय नाश्ते का? बस पिताजी मैं अभी भिजवाता हूँ, फिर मेरे को जाना है। हाँ हाँ ठीक है। देवी लाल जी, चाय की भी क्या तकलीफ। अरे उदयवान जी, आप तो मेरा नाम भी भूल गए, देवी दयाल जी। देवी दयाल जी, देवी दयाल जी। अरे भला अपनों से कैसी तकल्लुफ। माफ कीजिए, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। देवी दयाल जी, आप पहचानोगे भी कैसे, पहली बार तो मुलाकात हो रही है। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, गोपाल दास जी, रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, पेंशन मिल रही है, गांव में अच्छी खासी जमीन है, वो बटाई पर दे रखी है। अपने गांव और समाज में इनका बड़ा भारी नाम है, सब लोग बड़ी इज्जत की निगाह से इन्हें देखते हैं। भाई अध्यापकों का सम्मान तो होना ही चाहिए, इन्हीं लोगों से ही तो प्रेरणा मिलती है। अब देखिए ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को महान उनके गुरुओं ने ही तो बनाया था। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। भाई साहब के दो पोतियां हैं, बड़ी पोती के लिए भाई साहब को लड़के की तलाश है। मुझे मालूम था ना कि आपका डॉक्टर बेटा, उसके लिए सुशील, सोम, होनहार बेटी चाहिए, सो मैं आपके पास न ले आया। मेरी इच्छा है कि इनकी पोती आपके घर की बहू बने। भाई साहब की पोती बहुत होनहार है, सुशिक्षित है, सौम्य है, सभ्य है, सुशील है, और घर के काम में भी बहुत ही दक्ष है। बहुत अच्छा। एमकॉम है। अच्छा। वो भी फर्स्ट डिवीजन। भाई उदयवान जी, जैसे गुण आपने लड़की में बताए हैं, अगर ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बन जाए तो ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। परंतु अगर लड़का लड़की एक बार मिल लें तो बेहतर है। अब देखिए ना, अरे भाई हमारा और आपका जमाना तो रहा नहीं कि इधर नाई रिश्ता लेकर आया है? और उधर पिताजी ने हाँ कर दी। देवी दयाल जी, आप सही कह रहे हैं, लड़का लड़की को देख ले, लड़की लड़के को देख ले, और फिर देखिए ना, हम बाजार में मिट्टी की हांडी खरीदने के लिए जाते हैं, उसको भी बड़ा ठोक बजा करके देखते हैं, और यहाँ तो जीवन भर के साथ का प्रश्न है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। आप जैसे सुलझे हुए व्यक्ति से मुझे यही उम्मीद थी। लड़का लड़की शादी से पहले मिल लें तो ठीक रहता है, परंतु मैं यहाँ कुछ परंपराओं का पालन करना चाहूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। अब देखिए ना, लड़की को लेके आप हमारे घर आए या हम लड़की देखने आपके घर आए, भाई सामाजिक दृष्टि से मैं इन दोनों ही बातों को उचित नहीं मानता। देवी दयाल जी, आपकी बात ठीक है, किसी तीसरे स्थान पर यह सब व्यवस्था कर लेंगे। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक शहर है बंगा, वहाँ एक पार्क है, आप लड़की और अपने मित्रों को लेकर वहाँ पहुँच जाइए, और हम लोग भी वहाँ पहुँच जाएंगे, क्यों उदयवान जी, और वहाँ बैठने की सारी व्यवस्था मैं करा दूंगा। ठीक है, कल प्रातः 10 बजे हम सब वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, लीजिए चाय लीजिए। और बताइए। लीजिए भाई साहब। वक्त कैसा गुजर रहा है? आजकल अध्यापकों को पेंशन तो बड़ी अच्छी मिल रही है। देवी दयाल जी, आए तो पर्याप्त है, खेतों पर चला जाता हूं, खेती बाड़ी को कुछ देख लिया, गाय रखी हुई है, गाय की सेवा करता हूं, फिर कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आ जाते हैं, उनको पढ़ा देता हूं, और फिर ईश्वर का भजन करता हूं। बहुत अच्छा। अरे आपके यहाँ की खेती तो सोना उगलती है जनाब, सोना, और उसमें खाद और पानी मिल जाए तो फिर घर भर देती है, क्यों? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, सही बात है। और आजकल हर बच्चा ट्यूशन लेता है, 100 बच्चों के हिसाब से भी। जी नहीं, मैं बच्चों को पैसा लेकर के नहीं पढ़ाता, मैं विद्या बेचता नहीं,
मैं इसको सेवा के आधार पर बच्चों को पढ़ाने में अपना फर्ज समझता हूँ। लेकिन साहब आखिर इसमें हर्जी क्या है जी? मैं इसे उचित नहीं समझता। जब सरकार माकूल वेतन देती है फिर बच्चों से पढ़ाई का पैसा क्यों लेना चाहिए? विद्या दान करनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपके विचारों की कद्र करता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि पैसा जैसे भी और जिस तरीके से भी मिले उसे ले लेना चाहिए। आजकल बिना पैसे के कुछ नहीं होता, बिना पैसे के पत्ता भी नहीं हिलता। अब खैर छोड़िए इन बातों को और बताइए। अब इजाजत दीजिए देवी दयाल जी, आपका काफी समय लिया और घर पर भी इंतजार हो रहा होगा। आपको इजाजत देने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं दहेज के एकदम खिलाफ हूँ। मैं शादी में दहेज नहीं लूंगा। देवी दयाल जी, आप जैसे दहेज विरोधी समाज में बहुत कम लोग हैं। आप तो महान हैं। अरे नहीं साहब, अब आप हमें इजाजत दें। अच्छा जी, अच्छा देवी दयाल जी, राम राम, राम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा भाई साहब कितना भला आदमी है देवी दयाल। डॉक्टर बेटे का बाप है, चाहता तो दहेज मांग सकता था लेकिन मुंह नहीं खोला। उदय भांजी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। भगवान करे कि देवी दयाल जी ऐसे ही हो, परंतु परंतु क्या? मैं देवी दयाल जी को समझ नहीं पाया। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि मैं दहेज के बगैर शादी करूंगा और दूसरी ओर ये कहते हैं कि पैसा जैसे भी हो जिस तरीके से भी हो वो प्राप्त करना चाहिए। भाई साहब ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। बोलो बेटा कुलदीप, क्या विचार है तुम्हारा? भाई तुम्हारी मर्जी के बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब पिताजी मैं क्या कहूँ, आपने जो भी फैसला किया है मुझे मंजूर। फिर ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। धन्यवाद। लेकिन मैं सबके सामने एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग दहेज के एकदम खिलाफ हैं। बस हमारी मामूली सी तीन शर्तें हैं जिन्हें आप लोगों को सहर्ष स्वीकार करना होगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोपाल दास जी, अब मैं आपसे जो भी बात कहूंगा ये सोचकर कहूंगा कि अब मेरा बेटा आपका हो गया जी। आप नहीं चाहेंगे कि आपका दामाद एक बहुत बड़ा अच्छा सर्जन बने, नाम और पैसा कमाए, ताकि आपकी बेटी को हर तरह का सुख दे सके। जरूर चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं तो इसे FRCS की पढ़ाई के लिए आपको अपने खर्चे पर इंग्लैंड भेजना होगा। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें बोलने दीजिए क्या बोलते हैं। अच्छा देवी दयाल जी, अब आपकी दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि जब कुलदीप विलायत से पढ़ाई करके वापस आए तो आपको एक बढ़िया सा क्लिनिक, ऑपरेशन थिएटर भी हो, खुलवा कर देना होगा। सबसे पहला ऑपरेशन मैं तेरा करूंगी बुढ़े। वैसे अभी से आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत तो आपको 2 साल बाद होगी। चलिए फिर लगे हाथ, अब तीसरी शर्त भी बता दीजिए।
एक बड़े सर्जन के लिए शानदार क्लिनिक और ऑपरेशन थिएटर के अलावा आधुनिक मशीनें और औजारों का होना भी तो जरूरी है। और फिर सब आप इतना करेंगे कि ये मामूली सी चीजें तो आप करवा ही देंगे। तेरे लिए शमशान घाट में जगह भी हम लोग बुक करा देते हैं। बेटा कुलदीप, तुम्हारी इन शर्तों के बारे में क्या राय है? दादाजी, अब पापा जी ने जो भी फैसला किया है हम सबके हित को ध्यान में ही रख के किया होगा। अब भला इसमें मैं अपनी राय क्या दे सकता हूँ? सांप का सपोलिया है, उसी की भाषा बोलेगा। लाला देवी दयाल जी, मुझे आपकी तीनों शर्तें मंजूर है। बापू जी, आप बेटा चिंता मत करो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ करके कर रहा हूँ। हाँ तो गोपालदास जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। एक मिनट देवी दयाल जी, एक मिनट, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? आदरणीय पंचो, आप लोग इस बात से तो सहमत होंगे कि आजकल लड़के और लड़की के बराबर के अधिकार हैं। जी बिल्कुल हैं। फिर भी मैं अपने को कम मानता हुआ ये कहना चाहता हूँ कि देवी दयाल जी ने अगर तीन सवाल उठाए हैं तो क्या मुझे दो सवाल उठाने का अधिकार नहीं है? आपको पूरा अधिकार है, मुझे क्या शर्तें हैं? मेरी बेटी ने M.Com फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ पास किया है और जब डॉक्टर कुलदीप इंग्लैंड चला जाएगा तो मेरी लड़की यहाँ पर क्या करेगी? वो भी चली जाएगी उनके साथ में और वहाँ PhD कर लेगी, फिर दोनों इकट्ठे वापस आ जाएंगे। देवी दयाल जी, मेरी बेटी तो उस समय आपकी बहू हो जाएगी, इसलिए उसके आने का, जाने का, वहाँ ठहरने का वो सारा खर्चा तो आप करेंगे ही। क्यों पंचो, मेरी बात गलत तो नहीं? मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मास्टर जी, पंचों को आपकी बात पर कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। आप दूसरी शर्त भी बता दीजिए। PhD करने के पश्चात मेरी बेटी की योग्यता बढ़ जाएगी और उसकी योग्यता का अगर हम लाभ न उठाएं तो बहुत बड़ी गलती है। आजकल शहरों में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, एक एक बच्चा 2,000-3,000 रुपया महीना फीस देता है। 50-60 बच्चे पढ़ने के लिए आ जाएंगे तो आप अंदाजा तो करिए कितनी आमदनी हो जाएगी आपकी। 1,00,000 रुपए तो निश्चित है। हाँ। क्यों लाला जी? तो देवी दयाल जी, शहर के अच्छे इलाके के अंदर आप एक कोचिंग सेंटर का निर्माण करें, उसके अंदर 50-60 आधुनिक सीटें हों, AC की व्यवस्था हो और उन बच्चों को लाने के लिए AC की बस हो, और ये व्यवस्था तो फिर आप करेंगे ही। परंतु गोपाल दास जी, किंतु परंतु छोड़ो देवी दयाल जी, आपकी लाखों रुपए की आमदनी बढ़ जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लग जाएंगे। मेरी दोनों शर्तों को आप मान लीजिए। क्यों पंचो, मैंने कोई गलत बात थोड़ी कही है? आपने एकदम दुरुस्त कहा है भाई साहब। ओ क्यों देवी दयाल जी? जी नहीं, मुझे इनकी शर्तें मान नहीं है। और मान्य भी क्यों हो? क्योंकि शर्तें रखने का अधिकार सिर्फ लड़के वालों को होता है, लड़की वालों को नहीं। अरे ना लाला जी ना, युग बदल गया है, लड़के लड़की को बराबर के अधिकार है। लड़कियां आत्मनिर्भर अपने पांव पर खड़े होने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आप कौन से जमाने की बात कह रहे हो लाला जी? अब तो सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने जा रही है। क्यों पंचो? हमारी सबकी राय आपके साथ है भाई साहब।
देवी दयाल जी, भाई साहब की शर्तें यदि आपने नहीं मानी तो आपकी सब शर्तें खारिज कर दी जाएंगी। मेरे साथ जो पंच आए हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताइए आप लोगों की क्या राय है? लाला जी, पंच किसी विशेष व्यक्ति के नहीं होते, वो हर बात को न्याय की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने जो फैसला किया है वो एकदम सही है, अब आपको फैसला करना है। अगर आपने पंचों की बात नहीं मानी तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। ठीक है, मैं जरा जी ये मास्टर तो बड़ा चालाक निकला, एक फूटी कौड़ी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। अरे मैं कौन सा इससे करोड़ दो करोड़ रुपए मांग रहा हूँ? तेरी पढ़ाई पर जो खर्च किया है वही तो वसूलना चाह रहा हूँ। मन करता है इससे साफ मना कर दूँ। पिताजी, ये पंचायत बुलाने का फैसला भी तो आप ही का था। अब तो हम बुरे फंसे। अरे ना करेंगे तो हमारी बदनामी होगी। अरे तो अब क्या किया जाए? अब तो पिताजी अपनी शर्तें वापस लेने में ही भलाई है। एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखूंगा इस मास्टर को। तू सही कह रहा है, चल 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 चला। ठीक है पंचो, मैं अपनी तीनों शर्तें वापस लेता हूँ। मैं अपने लड़के की शादी बगैर दहेज के करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मास्टर जी, अब आप कहिए आपको क्या कहना है। पंचो, मुझे भी शादी में कोई एतराज नहीं है, पर मुझे एतराज है। मैं आप सभी का सम्मान करते हुए इस लड़के के साथ शादी से इनकार करती हूँ। बेटी ये तू क्या कह रही है? बापूजी, आप अपनी बेटी के मुंह में अपने सिद्धांतों से मुंह मोड़ रहे हैं। आपने और आपके सिद्धांतों ने इस समाज को एक नई दिशा दी है, हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। इस तरह पंचायत में मुंह फाड़ना बड़े अच्छे संस्कार है। आप जैसे दहेज लोभी पुरुषों को आईना दिखाने के लिए हम लड़कियों को अपना मुंह फाड़ना ही पड़ता है। लाला जी, मुझे आजीवन कुंवारी रहना मंजूर है, लेकिन आप जैसे लालची इंसान की बहू बनना कतई मंजूर नहीं। बस बेटी बस। बापूजी, आपने हम बहनों की परवरिश लड़कों की तरह की है, अपना हर फर्ज बखूबी निभाया है। अब वक्त आ गया है कि हम भी अपना फर्ज निभाएं। आप निश्चिंत रहिए बाबूजी, मैं सभी के सामने सौगंध खाती हूँ कि मैं मर जाऊंगी लेकिन आपकी इज्जत पर दाग नहीं आने दूंगी। लेकिन बेटी, मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताइए कि पहले एक बेटी का बाप अपनी बेटी की परवरिश और उसकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करे, और फिर शादी के वक्त अपने दामाद और उसके घर परिवार के ऐशो आराम के लिए लाखों रुपए दहेज में भी दे। हमने भी अपने लड़के को डॉक्टर बनाने में लाखों रुपए खर्च किए हैं, लाखों। कोई एहसान नहीं किया किसी पर। आपका बेटा जब कमाएगा तो लाकर आपको देगा, किसी बाहर वाले को नहीं। वाह दीदी वाह, क्या जवाब दिया है आपने। चलिए बापूजी, घर चलते हैं। जय राम जय की पंचो। जीती रहो बेटी, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। आज समाज को तेरी जैसी बेटियों की ही जरूरत है। I'm not afraid.
आज की ताजा खबर गांव की गोरी ने डॉक्टर को रिएक्ट किया। आज की ताजा खबर गांव की गोरी ने डॉक्टर को रिएक्ट किया। आज की ताजा खबर गांव की गोरी ने डॉक्टर को रिएक्ट किया। अरे माँ मिल गई। अरे पुत्र कौन मिल गई? अरे माँ लड़की मिल गई जिसे आप अपनी बहू बनाना चाहती थी। अच्छा कौन है, कैसी है? भारती नाम है उसका माँ। स्वाभिमानी है, निर्भीक, संस्कारी, साक्षात झांसी की रानी का रूप है माँ। कौन है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है? अरे गुना चौर के हेडमास्टर गोपाल दास जी की पोती है, ये देखो। अरे अब उसने ऐसा क्या कारनामा कर दिया कि उसकी खबर भी अखबार में छप गई? अरे माँ कल भारती ने ना एक दहेज लोभी डॉक्टर के साथ शादी से इनकार कर दिया। अच्छा हाँ, और कल बंगा के पार्क में उसने लाला जी का असली चेहरा उन्हें दिखा दिया। अच्छा माँ मैं वहाँ जाकर सारी जानकारियाँ ले आया हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ गुना चोर चलो, हैं जल्दी माँ। अरे पुत्र इतनी जल्दी करना ठीक नहीं है, लड़की देखने में कैसी है, कैसे परिवार है, कौन कौन लोग हैं, ये सब जानकारी करना बहुत जरूरी है। अरे माँ अगर अच्छी ना होती देखने में तो कोई डॉक्टर उसे कैसे पसंद कर लेता? हाँ और अगर योग ना होती तो फर्स्ट क्लास एमकॉम विद डिस्टिंक्शन कैसे पास कर लेती, तू बता। हाँ जल्दी जा, ओ तू जल्दी अच्छा, जा। अच्छा पुत्र, अच्छा तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, तू रुक जा मैं तैयार होकर आती हूँ फिर दोनों चलते हैं। हाँ, जल्दी जा। अंदर आ जाओ भाई, दरवाजा खुला है। जी नमस्कार। नमस्कार, क्षमा कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मेरा नाम रमेश कुमार है, ये मेरी माँ है। नमस्ते, मैं BWD में सहायक इंजीनियर। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बेटा। भारती जी बापू जी। अरे बेटा लस्सी ले आ, मेहमान आए हैं। अभी लाई। माफ कीजिएगा आप कुछ लिखने में मसरूफ थे, हमने आके डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज के हालात पर कुछ। कोई कविता या फिर? हाँ कोई कविता ही समझ लो। अगर आपको एतराज ना हो तो हम भी सुनना चाहेंगे। आजकल के युवकों को हमारी कविता में क्या रस आएगा? अरे नहीं दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग जरूर सुनना चाहेंगे। सचमुच सुनना चाहते हो? सुनाइए ना दादाजी। चलो सुनो। चढ़ा हुआ चेहरे पर चेहरा, झूठे खोल में सच रहता है, कितना बेईमान आदमी कुछ कहता है कुछ करता है, आदर्शों की हत्या करके खुशफहमी में जीने वालों, ऊपर वाले के खाते में सबका लेख लिखा रहता है, क्या होगा ऐसे समाज का जिसकी दोरी सोच हो गई, आंख कान रख कर भी मानव अंधा या बहरा रहता है। वाह दादाजी वाह, क्या एकदम सही तस्वीर खींची आपने समाज की। बिल्कुल ठीक। माफ करना कविता के चक्कर में आपसे बात करने ही भूल गया, कहिए कैसे कष्ट किया? दादाजी मैं अपने इंजीनियर बेटे के लिए आपकी बड़ी पोती का हाथ मांगने आई हूँ। देवी जी आपका बेटा उच्च सरकारी अधिकारी है और मैं साधारण अध्यापक, हमारी बेटी भला आपके घर की बहू कैसे बन सकती है? दादाजी आपके जैसे महान भाव की पोती हमारे घर की शोभा बने ये तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। आपने अपने बेटे से पूछ लिया है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, अपनी तरह बनाया है, मैं जो कहूँगी वो वही कहेगा। और इनके पिताजी के संबंध में? इनके पिताजी तो इस वक्त विदेश में हैं, वो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं क्योंकि उनका कारोबार है, कभी साल 6 महीने में आकर मिल जाते हैं। आपने अभी ठीक से लड़की को भी देखा नहीं है और आपने हमारे बारे में भी कोई जानकारी नहीं की है। दादाजी इंसान के स्वभाव और उनके आचरण का पता तो उनकी शक्ल और व्यक्तित्व से ही लग जाता है, और रहा लड़की देखने का सवाल तो वो तो हम देख ही रहे हैं। खुश रहो पुत्र। नमस्ते। ये है भारती,
और ये है उनकी माँ। और मेरा नाम मुक्ता है, मैं अपनी माँ बापूजी की छोटी बेटी हूँ। चलिए, आपने लड़की को तो देख ही लिया, अब काम की बात करें। ये बताइए कि आपको दहेज में क्या चाहिए? दादाजी, बात तो आपकी गौर करने वाली है, भला बिना दहेज के भी कहीं शादी होती है? दहेज में हमें चाहिए सिर्फ 125। बाबूजी, आप अपने परिवार की सबसे अनमोल चीज हमें दे रहे हैं, तो भला दहेज बीच में कहां से आ गया? दादाजी, दहेज हमारे समाज की सबसे बुरी परंपरा है और हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। आप अगर बुरा ना माने तो हमारी दो शर्तें हैं। हाँ जी, बताइए कौन सी शर्तें हैं आपकी? पहली शर्त तो यह है कि शादी किसी भी रविवार को ही होगी, वो भी बिना शोर शराबे के, बिना किसी बैंड बाजे के। सिर्फ 5 आदमी ही बारात में आएंगे। आपके घर पर ही विधिवत सारे संस्कार होंगे, रीति रिवाज होंगे, सब लोग यहीं मिलकर भोजन करेंगे एक साथ और उसके बाद विदा लेंगे। और दूसरी शर्त? और दूसरी शर्त बहन जी हमारी है कि भारती सिर्फ शादी के जोड़े में ही हमारे साथ जाएगी और हम यहाँ से कोई सामान लेकर नहीं जाएंगे। बेटा गौरा, मैंने कहा था ना कि एक दिन सच्चाई की जीत होगी। अब देखो, घर बैठे ही सोने जैसा दामाद हमको मिल गया है। सोने जैसा नहीं, हीरे जैसा दामाद कहिए। अरे गौरा, अब उठो, हीरे जैसे दामाद के हाथ पर 125 रखो और सबका मुंह मीठा करो। हाँ जी, अभी करवाती हूँ। अरे दादाजी, ये हुक्का आप पीते हैं? पीता था, मगर जब मुझे पता लगा कि ये तंबाकू जहर है, कैंसर को निमंत्रण देता है, तो मैंने इसे तलाक दे दिया। और अब ये शो पीस के तौर पर विराजमान है। ये आपने बहुत अच्छा किया बाबूजी। बच्चों, अब आप लोगों ने हमारा तो आशीर्वाद ले लिया। उस महापुरुष, महान आत्मा से आशीर्वाद लें जिसने हमें जन्म दिया और हमें संस्कार दिए। आओ बेटा। यह है मेरे पिता पूज्य राम जी दास, इन्होंने ईमानदारी का पाठ मुझे पढ़ाया। ये बड़े भाई सुरेंद्र नाथ, इन्होंने भरपूर प्यार दिया। और मैं जो कुछ भी हूँ उसका श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो मेरे धर्म पत्नी रक्षा रानी है। आओ, दिवंगत आत्माओं से प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।